नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमल शर्मा है। मैं मथुरा से हूँ और प्रोफेशन से एक टीचर हूँ। और मेरा जो वीडियो है, मैं एक संदेश के साथ आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ कि हमें परोपकार की भावना मन में रखनी है, आज के इस कठिन समय में इस समाज की सेवा करनी है, जिससे कि हम हमारे जीवन में कुछ लोगों को नया जीवन दे पाए। मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए कतई नहीं है जो ये सोचते हैं कि हम तो कोविड से बच गए, हमें कुछ नहीं हो सकता, या हमें कोविड हुआ और हम सही हो गए और अब आगे हमें कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो ये चाहते हैं कि उन्हें मानव जीवन मिला है और समाज की रक्षा के लिए मिला है और समाज को वो कुछ अपने जीवन में देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में कुछ बातें कही गई हैं। क्या कहा गया है शास्त्रों में? कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थम मिदम शरीरम। इसका अर्थ है कि परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, परोपकार के लिए ही नदियाँ अपने जल का प्रवाह करती हैं, परोपकार के लिए ही गाय दूध देती है और हमारा यह संपूर्ण शरीर जो है, इसकी जो रचना है, ये भी परोपकार के लिए ही की गई है। इसलिए और इसमें बात क्या कहते हैं, और भी हमारे शास्त्रों में कुछ बातें कही गई हैं, जैसे रविश्चंद्रो घना वृक्षा नदी गावश्च सज्जना, एते परोपकाराय युगे दैवेन निर्मिता। इसका अर्थ है कि सूर्य, चंद्र, बादल, नदी, गाय और सज्जन, हरेक युग में इन सभी का जो निर्माण ब्रह्मा ने किया है, वो सिर्फ और सिर्फ परोपकार की दृष्टि से किया है। तो इस परोपकार की भावना को मन में रखते हुए, जैसा कि फिडेटियंस नामक संस्था एक हैशटैग के नाम से एक ट्रेल चला रही है कि मथुरा वालों आगे आओ, हैशटैग मथुरा वालों आगे आओ, प्लाज्मा डोनेट करो और लोगों की जान बचाओ। तो मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि ईश्वर ने हम सभी को मानव शरीर दिया है, ये किस लिए दिया है? कि हम मानवता की रक्षा के लिए, समाज की सेवा के लिए कुछ कार्य कर पाए और अपने जीवन में कई लोगों को नया जीवन दे पाए। तो ऐसे लोग जो कोविड से ठीक हुए हैं अभी हाल ही में 15 दिनों के अंदर, 15-20 दिन, महीना भर, वो आए और अपना प्लाज्मा डोनेट करें, क्योंकि उनका प्लाज्मा किसी के लिए नया जीवन हो सकता है। तो मेरी आपसे बस इतनी सी विनती है कि फिडेटियंस संस्था ने जो इतना अच्छा काम चलाया हुआ है, इसमें सहयोग करें और समाज को सुदृढ़ता प्रदान करने में अपना योगदान करें। क्यों? क्योंकि परोपकार रहित मानव जीवन को धिक्कार है, परोपकार रहित मानव जीवन को धिक्कार है, क्योंकि वे पशु हमसे कहीं अधिक धन्य है, जिनका चमड़ा भी मरने के बाद पूरे समाज के कार्य आता है। बस अपने इस मैसेज के साथ आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।